शहर के व्यवसाय एवं व्यस्ततम क्षेत्र जवाहर मार्ग पर बीती रात अज्ञात चोरों ने दो दुकानों के ताले झटका कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि चोरी के दौरान गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों की नजर पड़ने से चोरों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। शुक्रवार सुबह थोक दुकानों में चोरी की सूचना पर बड़ी संख्या में व्यापारी भी इकट्ठा हो गए। जवाहर मार्ग पर नवनीत महाजन और स्वदेश ट्रेडर्स पर चोरों ने ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया। दुकान संचालक नवनीत महाजन ने बताया कि रात करीब 2 बजे पुलिस कर्मियों ने मोबाइल और फोन लगाकर दुकान में चोरी की सूचना दी। पुलिस कर्मियों ने उन्हें चोरी करते देख ललकारा, जिसके बाद वह चोर आयुष अस्पताल की दीवार फांद कर भाग निकले। पुलिस ने पीछा भी किया। चोरों की यह करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमे 2 चोर नजर आ रहे हैं। शहर में बढ़ती चोरियों से व्यापारियों में डर और दहशत के साथ नाराजगी भी देखी जा रही है। व्यापारी नवनीत भंडारी ने चोरों की गिरफ्तारी करने के साथ ही गश्त बढ़ाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। दो बजे फोन आया कि आपके दोनों दुकानों के चारों दुकानों के ताले टूटे हुए हैं। हम पूरी फैमिली वाले सब नीचे आए और हमने फिर देखा कि ताले टूटे हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं गए थे, पूरी का टाइम चाह रहे थे। थोड़े बहुत पेजी ले गए, छोटी मोटी वगैरह ले गए, काजू ले गए थे, एक काली की पेटी ले गए थे, लेकिन वो सब पुलिस वाले पीछे लगे थे तो सब मिल गया, वहीं छोड़ गया, रास्ते में छोड़ गया। किसी पर चेक वगैरह अभी कोई नहीं, किसी कैमरे में भी आ रहे हैं? हाँ, कैमरे में भी आ रहे हैं। हाँ सर, रात को 2 बजे पुलिस वाले को फोन आया कि आपके दोनों दुकानों पे गोडाउन में ताले टूटे हुए हैं। हमने नीचे आके देखा तो सभी दुकान के ताले टूटे हुए थे, 2 चोर थे, तो आप बैक साइड से आए थे, एक का कैमरा उनने मोड़ दिया था। देन उसके बाद हम फिर दुकानों पे अंदर घुस के देखा तो कोई ज्यादा कुछ ले नहीं गए, 3 किलो काजू ले गए थे, क्वाली की पेटी ले गए थे, लेकिन पुलिस वाले पीछे लगे हुए थे तो उन्हें मिल गया। सूचना भी हमको पुलिस वालों ने ही दी थी रात को 2 बजे। रात को हम टीए साहब के पास गए, टीए साहब भी थाने में ही थे, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। 2-3 बज गई थी, हमको यहीं पे सब देखा हमने, सब छानबीन से बाकी कोई मिला नहीं था। हाँ, कैमरे में भी चोर आ रहे हैं, 2 चोर दिख रहे हैं, ये मुंह पे एक ने शर्ट बांधा हुआ है और एक बाकी क्लियर फोटोज नहीं आ रहे, लेकिन दिख रहे हैं कैमरे में। कितने बजे की घटना? ये 12:30 बजे आए थे, 2 बजे हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस वाले के, 2:30 बजे आ गए थे। हाँ हाँ, कुछ 5,600 क्या 5,000 रुपए नकद ले गए थे, चिल्ला की बोतली ले गए थे, लेकिन वो सब उधर ही पीछे ले गए थे, सब छोड़ गए थे वो। नकद ले गए नोट नहीं, चिल्ला ले गए थे, लेकिन पुलिस वाले पीछे लगे हुए थे तो वो ही छोड़ गए वो। मयंक महाजन। कुछ और आए पुलिस रस्ते का नहीं है, माल बच गया तो लेके जाए, आए दिन यहाँ बार बार चोरियाँ हो रही है, इनकी रोकथाम के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाना चाहिए, मतलब बराबर चेकिंग करना चाहिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वैसे रविवार के दिन इनके पिता श्री के हमारे यही साहब लगते हैं, इनकी चेन गायब हुई, उसका भी अभी तक कोई सुराग लगना चाहिए, मतलब वास्तव में कि बार बार चोरियाँ हो रही है अच्छी बात नहीं है, मतलब सब व्यापारियों में थोड़ा रोष है, मतलब इनको तत्काल पकड़ने की कोशिश करें। मतलब और आए दिन बार बार घटना हो रही है, मतलब तो ये हमारे व्यापारियों के लिए थोड़ा डर वाला भय हो गया कि यार कैसे निश्चिंत से सोए, मतलब रात में चेन किन कैसे गल्ला खोलना या खोलना सामान उठा के ले जाना, मतलब क्या मांग करते हैं हम तो मांग ये करते हैं कि इनको जो भी है इनको तत्काल पकड़ा जाए और गश्त बढ़ाई जाए, मतलब व्यापारियों का डर भय दूर करा जाए, मतलब प्रशासन यही चाहते हैं, मतलब आए दिन जो घटना हो रही है, मतलब रात को 1:30 बजे पुलिस वाले फोन आया तो मैं दरवाजे खुले हुए फटक पूरे हुए, हम उसके सब आ गए यहाँ पे, तो हमने देखा कि पुलिस वाले उसके पीछे दौड़े थे, वो भाग गए, हमने देखा नहीं, उन्हें वो दौड़ गए थे, वो पीछे कूद के भाग गया, पुलिस वाले को बेचारे लग भी गया पूजा के पीछे। कितने चोर थे? दो, अभी दो आए थे। क्या क्या आपके यहाँ से चोरी हुआ? एक चिल्ला की थीली ले गए, 4,000 रुपये नकद ले गए और सामान काजू को 3 बॉक्स ले गए, बॉक्स ये ले गए बिस्कुट का, बाकी सब मिल गए, छोड़ गए वहीं फेंक गए, नकद पैसे 4,000 नहीं मिले, चिल्ले मिल गए। भी कई चोरियाँ हुई थी साल पहले आपके साथ में, 4 दिन पहले की घटना होती थी? हाँ, वो ये चेन थे इसमें, इतवार शाम को 5:30 बजे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।